सैयद सीख के जो है गिफ्ट किया। तो वैसे भी मौलवियों को पता आपको गिफ्ट तो आते रहते हैं, आपने कभी नहीं दिया वो अलग बात है। तो मैं इस मौके पे उस्मान भाई ये पैगाम दूंगा उर्दू प्ले उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से कि जितने मेरे चांद मक्खन मलाई हैं उन सब को मेरी तरफ से जनाब जश्न आज़ादी मुबारक 2024 14 अगस्त, ये 14 अगस्त 1947 हमारे पाकिस्तान को आज़ादी मिली और हमने बैन अल-अक़वामी मुल्कों में विज़िट किए, जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है यह पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं। ये झूठ है, ये कहते हैं हम आज़ादी नहीं है। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, शेम फॉर यू, ऐसे लोगों पे अफसोस है जिन्होंने अपनी घरों पे परचम नहीं लगाए, जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे परचम नहीं बनाए, जिन्होंने अपनी दुकानों प्लाजों पे अपना भी परचम नहीं लगाए। आपने देखा होगा करोड़ों के मकान पाकिस्तान से कमा के पाकिस्तान में बनाए, करोड़ों की दुकानें, करोड़ों अरबों के प्लाजे, मगर जो कौम पाकिस्तान से मुखलस ना हो, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, हर पाकिस्तानी को आप पूरी पाकिस्तानी पूरी दुनिया का विज़िट करना चाहिए। इनको पता चले वहाँ सड़क भी क्रॉस करते दाएं बाएं देख के, वहाँ थूक भी नहीं सकते, सड़क पे थूकना भी जुर्म, वहाँ पब्लिक में आप अपने जिस्म में खारिश भी नहीं कर सकते। इतनी पाबंदियाँ मैंने देखी हैं, ये तो सोने की चिड़िया में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान तो एक सोने की चिड़िया का घोंसला है जिस घोंसले में हम आज़ादी से चल फिर रहे हैं। तो मैं पूरे पाकिस्तान को पैगाम दूंगा कि अभी से टाइम है, शाम तक परचम लें, अपने घर पे लगाएं, प्लाजे पे लगाएं, गलियों में लगाएं, अपनी दुकानों पे लगाएं, थोड़े पैसे बाद मिलन अपनी गलों पर भी ला लो। तो इसलिए ये बड़े अफसोस से कहना पड़ा मुझे कि इतनी इतनी बड़ी कोठियां परचम नहीं लगे। कहते जी हम आज़ाद नहीं, क्यों, क्या आज़ाद नहीं, गालियां देने के लिए आपको आज़ाद कर दें, किसी की पगड़ियां छालने के लिए आपको आज़ाद कर दें, और इदारों को गालियां देने के लिए आपको आज़ाद कर दें, फिर ठीक है आज़ाद है। हर मुल्क में SOPs हैं, हर मुल्क में सोशल मीडिया चलाने के SOPs हैं, हर मुल्क में इदारे चलाने के SOPs हैं, हर मुल्क में जुमा पढ़ाने के SOPs हैं, हर मुल्क में गली बाज़ार में चलने फिरने के SOPs हैं, मगर पाकिस्तान में कोई SOPs भी नहीं और फिर भी पाकिस्तान कहते हैं आज़ाद नहीं है। तो इसलिए मैं अपने चन्नों को पैगाम दूंगा कि आज ही बड़े पाकिस्तान में निकलें, मीनार पाकिस्तान जाएं, लामा इकबाल के मज़ार पे खड़े होके नारा लगाएं कि मसवरे पाकिस्तान ने हमने जो आपने ख्वाब देखा था, आज पाकिस्तान एटमी मुल्क है, इससे बड़ी क्या आज़ादी है, हम एटमी मुल्क होके पूरी दुनिया से बात करते हैं आँखों में आँख डाल के, तो पूरी दुनिया हमारी बात सुनती है। आगे मेरा चाहना, ये लोगों की मर्ज़ी है कि हम तो मौलवी हो के आज़ादी मना रहे हैं, पर देखें इधर परचम लगाया है, इधर लगाया है जनाब, हमने सूट पहना अपने परचम का, आपने माशाल्लाह इतना प्यारा कंट्रास्ट किया है, मैचिंग किया है, वैसे भी मेरा चन्न जो मक्खन मलाई है उसको कंट्रास्ट की ज़रूरत ही नहीं, खुद ही बड़ा खूबसूरत है। आपके अमले ने बड़ी अच्छी आज़ादी वाले शर्ट पहनी हुई है। आगे कोई बात करें आप, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह आपने पाकिस्तान को डिस्क्राइब किया कि हमने पाकिस्तान को हासिल किया क्योंकि ये सोने की चिड़िया है, 27 रमज़ान को यह मुल्क कायम हुआ था, ये बताएं 14 अगस्त आता है जश्न आज़ादी के लिए लोग वन व्हीलिंग करते हैं, जो वन व्हीलर है उनके लिए कोई पैगाम दें, ड्रिफ्टिंग करते हैं गाड़ियों पर, ड्रिफ्टिंग करते हैं, फिर उसके अलावा हुलड़बाजी बाजे, वो एक नई बला आ गई है। टिक 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 जी, मेरा चांद मेरा मक्खन मेरी मलाई, हेलमेट पा के मोटरसाइकिल चलाई, वन व्हीलिंग ना करी, नहीं तो मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, तू वन व्हीलिंग करदा फुटपाथ ते वजेगा, जानू नू और जानू लब जाना, तेरी माँ नू तेरे वर्गा चन्न नहीं लभना। इस वास्ते मैं अपने चन्ना नू पैगाम दांगा, मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, वाजे ना वजाई बल्कि पाकिस्तान दा नारा लगाई, अपनी गड्डी ते बैठ के मनारे पाकिस्तान जाई, जिते 14 अगस्त 1947 दी यादगार 1940 विच करारदादे पाकिस्तान पेश की गई, साई किले जाओ, बाशी मस्जिद जाओ, नवाज शरीफ पार्क जाओ, और जड़ी मर्जी पार्क च जाओ, मेरा चन्न बिल्कुल वन मिलंग ना करी, नहीं ते जड़े जनाब जी तेरे ख्वाब ने दूरे रह जाने ने, ते जनाब बाजू ते लिखिया रह जाना में, जानू तेरे मगर रोलते गए पर चस बड़ी आई। मैं अपने चन्न को कहूँगा कि आप वन व्हीलिंग करेंगे तो आप जान से भी जाएंगे और जो आपके ख्वाब मर्जी की शादी के वो भी जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान की आज़ादी आप नारा तकबीर से मनाएं, जश्न आज़ादी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से मनाएं और परचम लहरा के मनाएं, झंडियां अपने घर में लगाएं, अपने सीने पे सजाएं। सही है, आपने भी एक झंडा सुबह से पकड़ा हुआ, बिल्कुल चौकों चौराहों में लेके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ ही झंडा जी बिल्कुल, ये झंडा उसके अंदर एक डंडा ये लाजमी है, अगर आप
आप डंडा नहीं पकड़ेंगे तो झंडा लहरा नहीं सकते, वो ख्वा लोहे का हो ख्वा बांस का हो। तो बिल्कुल ये जो लोग कहते हैं ना, लो जी हुकूमत ने हमें जनाब महंगाई का डंडा दिया हुआ है, तो भाई ये हर हकूमत में डंडा मिला है, किस में महंगाई नहीं हुई, जो हकूमत आएगी। मगर नुकसान इतना है कि पार्टी बाजी हम करते हैं, हमारी पार्टी की हुकूमत आ जाती है, हम बोलना चुप कर देते हैं। मैं बोला हूँ, मैं गंदम पे बोला हूँ, मैं ना पेट्रोल पे बोला हूँ, बिलों पे बोला हूँ, रोज़ बोलता हूँ। तो इसी तरह मुझे कहते हैं अब वो कहाँ है, अब आप मेरी वीडियो शेयर ना करें अपने पेज पर, तो मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं बोलता हूँ, मेरा चैनल पर देखें आप। तो लिहाजा मैं सभी को कहूँगा कि ये जो आप कहते हैं ना कि डंडा दिया हुआ हमें महंगाई का, ये है वो है, ये नहीं डंडा, डंडा तो हर हकूमत में होता है, मगर हम अपनी अपनी पार्टी को पसंद करते हैं। हमें चाहिए कि जिस हकूमत में भी हों, अगर पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान की बका के साथ खड़े हों। पाकिस्तान की आज़ादी को 70 साल हो गए हैं, और इन 70 सालों में पाकिस्तानी कौम को इशारों पे खड़ा नहीं आया। हाँ जी, तो ये कौम अपने कदमों पे कब खड़ी होगी? देखो ये अब ये कौम अपने कदमों पे तब खड़ी होगी जब इनको खुददार बनना होगा। हम हर वक्त किसी की जेब पे नज़र रखते हैं, हर वक्त किसी की अच्छी एक्टिविटी की नज़र रखते हैं, हर वक्त किसी को कहते हैं ये कामयाब हुआ, मगर ये नहीं सोचते कैसे हुआ, उसकी स्ट्रगल कितनी है। तो मैं अपने सारे चंद मक्खन मलाइयों को पैगाम दूंगा कि आप अपने पाँव पे खड़ा होना सीखेंगे तो घर से सीखेंगे। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हैं ये काम करो, अगर टाइम पे वो काम नहीं करता तो आप उसको कहते हैं आपको खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, झटके मिलेंगी, और बिल्कुल सारा कार उन्हों कहता है नखट्टू है, खानदा वैरी है, आंदा वैरी है, ये रजदा है हर वाले, हालांकि खाते सभी होते हैं मगर वो बेचारा निशाने पे आ जाता है। तो सारी कौम को मैं अपील करूंगा, आप बाहर की पोस्टें करते हैं जी, देखो जी ये लाइन में लगे हुए हैं, हम जे नाब जी देखें ट्रैफिक में फंसें, बाहर की पोस्टें करते तुम भी लाइन में लगो, अपनी लाइन में रहोगे। अब मैंने देखा मोटरसाइकिल सबसे ऊपर वाले ट्रैक पर जा रही होती, रक्शे वाले तो दाएँ बाएँ देखते ही नहीं, वो घर कह के आते हैं एक दफ़ा हमारा मुँह देख लो, दोबारा हमने नहीं आना। ठीक है, लाभ बताएं कि आप बचपन में किस तरह से 14 अगस्त मनाते थे, वो आटे की लेप बनाते थे क्या? जी वो आटे की जड़ी होंगी से ना लेप, उन्होंने जनाबे वाला असी गूंद कहने से, अच्छा असी कहने से यार वो बना के ना असी ते असी चंडियां लानियां आटे नाल गो के, ते जनाब मिट्टी गोने होने से पहले तो फिर आटा गोना, उन्होंने ला के धागे परो के पूरे घर से झंडिया लानिया, दरख्त होना तो वह लानिया, फिर अपनी सैकल तो वो सैकल ही होंगी सी, हूँ तो लैंड क्रूजर V8 TXT Z फोरचूनर BMW 4 Ring ओडी अल्टस कल्टस रेंज रोवर लैक्सी GMC अमेरिकन किया स्पोटज होंडा स्विक टोटा करोला मे बैक एनी बड़ी ताड़े को व्हाट्सअप केड़ी है सुजुकी। तो चलो मेरे चन्न भी अल्लाह मे बेख गड्डी दवे, तो 4 Ring ओडी दवे। ये जनाब उदो गड्डिया नहीं सी, उदो कारा नहीं सी, उदो लोगों को सैकल होंदिया, किसी को मोटरसाइकिल होंदी सी, ते सैकल भी कई चलानी नहीं सी, कैंची सैकल चलाते, झंडा भी सैकल तो लाया, झंडिया भी लाइया सी, और उदो ज़्यादा असी खुशी नाल गली गली फिरने होने झंडे ला के। तो हुण ते जनाबे वाले जवान हो गए, हुण झंडे दे विच डंडा ला के हुण पूरे मुल्क च लहराने असी, कई ना गड्डी च सन रूफ खोल के खड़े हो जी। अच्छा ये बताएं कि जो लोग झंडियाँ लगाते हैं, आज भी लोग बहुत से झंडियाँ लगा रहते हैं, तो शाम के वक्त में झंडियाँ ज़मीन पे गिर जाती हैं, तो आप समझते हैं कि कोई बेहरमती होती है? देखें पाकिस्तान का जो परचम है ये हमेशा सरबुलंद रहने के लिए बना है, तो ये सऊदी अरब का परचम तो उस पर कलमा लिखा हुआ सरनगू होता ही नहीं, उसको ज़मीन पर उतारते ही नहीं है, वो फ़जा में ही रहता है। तो पाकिस्तान का परचम शाम को ये अंधेरों से बचाने के लिए कहते हैं कि इस पर अंधेरा ना पड़े, तो रोशनी रोशनी में ही उतार लेते हैं, तो इसको ज़मीन पर तो गिराना तसव्वुर ही नहीं कर सकते। झंडी भी कोई भी हो, परचम भी हो, ज़मीन पर नहीं हमें गिराना चाहिए, और इसके साथ हमें डस्टबिन का काम भी नहीं लेना चाहिए, सफाई का काम भी नहीं लेना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तान की शान है, हमारे हर कौम का एक परचम निशान होता है, वही निशानी शनाख्त होती कि ये फ़लाँ मुल्क का परचम जहाज़ों के ऊपर बना है, कि पता चल जाता है ये किस मुल्क का जहाज़ है। इसलिए मेरा चंद मेरा मक्खन मेरी मलाई जहाज़ भी इस परचम का एहतराम करते हैं कई, तो साढ़े नाबे वाला कई बंद पढ़े लिखे होशमंद होके भी परचम के साथ ऐसे अपनी सफाई कर लेते हैं, गाड़ी की घरों की या किसी चीज़ की सफाई नहीं करनी चाहिए, जब ये बसीदा हो जाए तो इसको साइड पर रखते हैं। अच्छा ये बताएं 14 अगस्त किस तरह मनानी चाहिए, आप क्या समझते हैं? इस दिन कोई मीठा भी खाना चाहिए, कोई चीज़ बांटनी, जिस तरह अहम दिनों पर खुशी के दिनों पर कुछ बांटते हैं मीठा? जी बिल्कुल, हमें 14 अगस्त पर मेहमान नवाजी करनी चाहिए,
हमें इस खुशी में ये चीज़ तकसीम करनी चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तेरे नाम की नज़र न्याज पेश कर रहे हैं कि अल्लाह हमें एक आज़ाद वक्त दिया और हमारे जो बड़ों ने 10-20 लाख लोगों ने कुर्बानी दी, कलम होए सिर कलमा टुटियाँ, सीने दे विच बलमा टुटियाँ, इज्जत दी स्टैनी नालों अज़रा बानू सलमा टुटियाँ, फिर जाके मौका बनया पाकिस्तान को सौखा बनया। तो हमें अल्लाह के रस्ते पर चीज़ें पका के मेहमानों को भी खिलाएँ, मल्ले में भी खिलाएं, खुद भी खाएं। अच्छा ये बताएं कि 70 साल के बाद क्या लगता है आपको कि पाकिस्तानियों ने क्या करना है अब आगे, मतलब अभी तक क्या कर लिया और क्या करना चाहिए? अभी देखें, हमारे बड़ों ने मेहनत की और हमने एटम बना लिया, अबे हमें मेहनत करनी है एटम को महफूज कैसे रखना है, अपने इदारों को महफूज कैसे रखना है, पाकिस्तान को मजबूत कैसे रखना है, और अब सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रगल करनी है कि हमने पाकिस्तान का कर्ज़ा कैसे उतारना है। और ज़िंदा कौम में 1968 में हमने जर्मन को कर्ज़ा दिया, तो हमने वो 1968 वाले पाकिस्तान पे बैक आना है। यही सबसे बड़ी हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, पार्टीबाजी से निकल के अपनी अपनी पार्टी का झंडा साइड पर करके पाकिस्तान का झंडा पकड़ के हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर मोहसिन पाकिस्तान का दिया हुआ ये तोहफ़ा और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और ये दूसरे जितने लोगों ने हमारे साथ तावन किया और पाकिस्तान सदर ज़ियाउल हक जिसने में एटमी प्रोग्राम की फास की, सब की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और इनों को कहना चाहिए कि हमने एटमी मुल्क बना लिया, एटमी ताकत बना लिया, अब इसको मजबूत रखने के लिए और पूरी दुनिया से कर्ज़ से जान चुड़ा के पाकिस्तान को वही कर्ज़ देने वाला मुल्क बनाने के लिए एक होना पड़ेगा। सही है। अच्छा आखिर में ये बता दें कि 14 अगस्त का दिन है तो लोग रैलियाँ निकालते हैं, गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं, तो लाहौर में बड़ा एक रवाज है पीछे से गाड़ी मार के अगले बंदे को कहता है अन्याय तू, इस बारे में कुछ? देखो जी, पाकिस्तान च एक होर रवाज है, अगे गड्डी होवे ना लैंड क्रूजर ते पिछली वजे तो उन्हें कहते हैं सर सॉरी गलती हो गई है, तो अगे होवे ना मेहरान सुजुकी ते पिछे होवे लैंड क्रूजर ते वो जनाब उतर के गड्डी वाला सॉरी करता छोटी वाला तो वड्डी वाला दा तू अन्ना आया मेरी गड्डी का बेड़ा गर्क कर दिता। यानी हम स्टेटस को सलाम करते हैं, हालांकि इंसान को सलाम होना चाहिए कि कोई बात नहीं यार चीज़ें लगने के लिए बनी, मगर पाकिस्तान में जो भी गाड़ी लगाता है वो अपनी दोंस दांदली से बच जाता है, ट्रैफिक वार्डन आता कोई भी आता है, हमें इंसाफ करना चाहिए कि गलती मौके पे देखनी चाहिए किसकी थी, अगर गाड़ी पीछे से आके टच किया है अगले वाले ने तो अपना फास्त करके ब्रेक लगानी है, पीछे वाला फासला रखे गाड़ी का टायर नज़र आना चाहिए अगली का, मगर यहाँ जोड़ के रखते हैं, इतने पाकिस्तान जिते जुड़ के बहना है दरानियाँ जठानियाँ नहीं जुड़ के बहदियाँ, नवं ससा नहीं जुड़ के बहदियाँ, देवर जेठ नहीं सस सांडू नहीं जुड़ के बहेंदे, मौलवी नहीं जुड़ के बहेंदे, हमसाए नहीं जुड़ के बहेंदे, जज नहीं जुड़ के बहेंदे, वकील नहीं जुड़ के बहेंदे, दुकानदार नहीं जुड़ के बहेंदे, तो जिते जुड़ के बहना उत्थे जुड़ के नहीं बहेंदे, गड्डियाँ जुड़ी हों। आखिर में अपने 25 करोड़ चन्न जो हैं आपके देखने, हाँ जी, वाले, उनको भी पैगाम देते हैं आज के दिन के जी, मैं अपने चन्न मक्खन मलाइयों को पैगाम देता हूँ, मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, जश्न आज़ादी पाकिस्तान जिंदाबाद कह के मनाई, थैंक यू मेरा चन्न,